नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बताएंगे दोस्तों एक कॉइल के बारे में। तो देखिए, इधर का स्लॉट जो है से मैंने इधर सारी जो है से कि बांध लिया कॉइल, और इधर जो है से मेरा कनेक्शन का है। तो ये दो मेरा जो है से कि स्टार्टिंग का है, ये जो दो अंदर का जो लूप है दोस्तों, ये जो है से कि स्टार्टिंग का है, और दो मेरा बाहर भी है। तो बाहर का भी मैं दिखाता हूँ। ये तो जो मेरा बाहर का है वो जो है कि रनिंग का है। तो यानी इसका ये जो बाहर वाला जो पॉइंट है, यानी बाहर वाला जो कॉइल है, इस पर जो है कि फैन जो है कि चलना चाहिए, और अंदर वाला पे जो है कि स्टार्ट होना चाहिए। तो अंदर का दोस्तों जो है कि स्टार्टिंग है, और बाहर का जो है कि रनिंग है। तो यहाँ पे हम दोस्तों जो है कि तीन तार निकालने वाले हैं, और जो है कि रनिंग का जो पंखा होगा वो रनिंग कॉइल पर ही चलेगा। तो बहुत भाइयों को दिक्कत होता था कि कनेक्शन हम किस प्रकार से करें, या फिर सभी लोग जो है कि चार लूप निकलता है तो चार लूप निकालने में दिक्कत होता था। तो आज हम बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से चेक करना है इसमें, कि मतलब जो है कि रनिंग पे ही कॉइल चले। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो ऊपर का जो पेंट है दोस्तों, पीयूसी जिसको बोलते हैं, या पीवीसी पेंट ऊपर जो रहता है, तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का जो पेंट है उसको हम छुड़ा देते हैं। तो माचिस की सहायता से जो इस प्रकार से जला देना है पेंट को, ताकि यहाँ के जो निकेल भी बोलते हैं उसको, तो निकेल उसका जो है कि छूट जाए, और अच्छा से इसमें जो है कि कंडक्टर या फिर अच्छा से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली चारों तार को जो है कि इस प्रकार से जला देना है और साफ़ कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को जो है कि छुड़ा लेना है इसका पेंट, किसी धातु से रगड़ के, या फिर ब्लेड से भी आप लोग जो है कि इसको साफ़ करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कि रगड़ के छुड़ा लेना है पेंट को। और यहाँ पे हम कैपेसिटर यूज करने वाले हैं 2.50, यानी अढ़ाई, इसको बोलते हैं अढ़ाई MFD का जो है कनेक्टर जो है इसमें यूज करने वाले हैं। तो एक तार जो होगा दोस्तों इस पर कैपेसिटर का, वो जो है कि स्टार्टिंग का होगा, और एक तार जो हो जाएगा वो जो है कि रनिंग का हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, और एक रनिंग का यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे दो तार दोस्तों आएगा, एक रनिंग का आएगा, एक स्टार्टिंग का आएगा, और दोनों का एक कॉमन निकलेगा, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का, दोनों कॉमन जो रहेगा वो एक में रहेगा। देखिए यहाँ पर एक में है। और अब क्या करना है दोस्तों कि पेन में कुछ इस प्रकार से ब्लेड जो है, जो सेविंग ब्लेड होती है, उसको इस प्रकार से लगा लेना है, और उसमें एक जो है छेद करके स्प्राइट कार्ड के जो बना लेना है, ताकि वो जो है आसानी से मूव कर सके, अपने अच पे घूम सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है इसका कनेक्शन भी कर लिया हूँ, और इसमें जो है कि अब दोस्तों हम लाइन दे करके चेक करेंगे कि ये किधर का रनिंग काम कर रहा है, या फिर किधर का घूम रहा है। तो चलिए सिंपली यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, और एक रनिंग का है मेरा, ये देखिए ये स्टार्टिंग का है, और ये मेरा रनिंग का है। तो सिंपली यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जब रनिंग पे जब कनेक्ट किए हैं, तो देखिए उल्टा का घूम रहा है, यानी सीधा घूमना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा का घूम रहा है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉइल है दोस्तों, ये देखिए ये स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग पे देखिए दोस्तों सीधा घूम रहा है। देखिए स्टार्टिंग पे सीधा मूव हो रहा है, देखिए स्टार्टिंग पे सीधा मूव हो रहा है, और रनिंग पे दोस्तों अपोजिट साइड जो है कि मूव हो रहा है। देखिए अपोजिट साइड यहाँ पे मूव हो रहा है, देखिए यहाँ पे जब बस रनिंग पे कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे उल्टा घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से तार को जो है कि चेंज कर देंगे। ये जो तार जो मेरा कनेक्शन है उसको जो है कि अब हम चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब जो है कि अब जो है कि हम पलट देंगे, जो स्टार्टिंग का एक था और एक रनिंग था, तो वहाँ पर उसका जो पोजिशन जो था दोस्तों, अब हम चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्टिंग का खोल लिए हैं, और यहाँ से हम एक और स्टार्टिंग का खोल लेते हैं, जो दो आपस में कनेक्ट हुआ था, रनिंग और स्टार्टिंग का। देखिए इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है, और अब इसका स्टार्टिंग और रनिंग का जो दोस्तों, अब आपस में कनेक्ट कर देना है यहाँ पे। देखिए ये दो तार मैंने कनेक्शन कर दिया, और इधर में आ गया दोस्तों कॉमन दोनों का, एक स्टार्टिंग का आ गया और एक रनिंग का, दोनों का यहाँ पे कॉमन आ गया। और अब मैं फिर एक बार जो है कि चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों कि ये जो है कि आसानी से मूव करेगा रनिंग के, रनिंग कॉइल पे ही जो है कि मतलब ये मूव करेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉमन पे जो है कि एक वायर को कनेक्ट कर लिए, और ये मेरा जो है कि रनिंग का है, और ये जो मेरा है स्टार्टिंग का है। तो अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं दोस्तों एक वायर को, जो है कि पिल्ला जो वायर है मेरा मेन तार, उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है कॉमन से। अब देखिए हम यहाँ पे जो है कि स्टार्टिंग पे जो है कि यहाँ पे टच कर रहे हैं मेन तार को, और देखिए यहाँ पे जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है कि मूव कर रहा है। और अब हम जो है कि रनिंग कॉइल पे हम चेक करके दिखाते हैं आप लोग के, कि देखिए रनिंग पे सीधा घूम रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रनिंग पे जो है बिल्कुल सीधा घूम रहा है, जिस प्रकार से फैन घूमता है
क्लॉकवाइज उस टाइप से यहाँ पे जैसे कि घूम रहा है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस प्रकार से आप लोग जैसे कि आसानी से इसको पकड़ सकते हैं कि मतलब आसानी से मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि रनिंग कॉइल पे है जैसे कि रनिंग करे पंखा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।